हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश में फील लाइक का इस्तेमाल कब और कहां करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे आखिर तक देखें और पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फील लाइक मन करना या दिल करना, एग्जाम्पल देखें, मेरा वहां जाने का मन कर रहा है या मेरा वहां जाने का दिल कर रहा है। रूल देखें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करें, इसके बाद फील लाइक, इसके बाद वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और ध्यान दें, फील जो है ये टेंस के रूल के हिसाब से इसे आप चेंज करेंगे। प्रेजेंट टेंस में फील या फील्स इस्तेमाल करेंगे, पास्ट टेंस के लिए फेल्ट और फ्यूचर टेंस के लिए विल फील इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखें, मेरा वहाँ जाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक गोइंग देयर। अब इसे देखें, स्ट्रक्चर से टैली करते हैं। देखें, आई ये सब्जेक्ट हो गया, फील लाइक इसके बाद इस्तेमाल हुआ, गोइंग देखें वर्ब, ये गो के साथ आई एन जी का इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पर देयर ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, मेरा टीवी देखने का मन कर रहा था, आई फेल्ट लाइक वॉचिंग टीवी। अब ध्यान दें, यहाँ फेल्ट का इस्तेमाल इसलिए हुआ कि यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट देखें, मेरा क्रिकेट खेलने का मन करेगा, आई विल फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अभी फ्यूचर टेंस के लिए विल फील का इस्तेमाल किया गया है। कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, मेरा यहाँ बैठने का मन नहीं कर रहा है। अब देखें, आई डोंट फील लाइक सिटिंग हियर। अब ध्यान दें, नेगेटिव सेंटेंस अगर नहीं हो तब आप डोंट का इस्तेमाल करेंगे या डजंट का इस्तेमाल करेंगे, और सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो डिडंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखें, मेरा बाजार जाने का मन नहीं कर रहा था, आई डिडंट फील लाइक गोइंग टू मार्केट। अब अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो डू डज प्रेजेंट टेंस के लिए, डिड पास्ट के लिए और विल फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर फील लाइक, वर्ब, इसके साथ आई एन जी का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे। जैसे एग्जांपल देखें, क्या तुम्हारा चाय पीने का मन कर रहा है या दिल कर रहा है। अब ध्यान दें, डू यू फील लाइक टेकिंग टी। अब अगर सब्जेक्ट ही होगा तो इसके लिए हम डज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ऐसा बोलें, डज ही फील लाइक टेकिंग टी, हिंदी होगी, क्या उसका चाय पीने का दिल कर रहा है। पास्ट में बोलना हो तो डिड ही फील लाइक टेकिंग टी, हिंदी होगी, क्या उसका चाय पीने का दिल कर रहा था। फ्यूचर के लिए विल ही फील लाइक टेकिंग टी, क्या उसका चाय पीने का दिल करेगा। क्या तुम्हारा क्रिकेट खेलने का दिल कर रहा है, डू यू फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट। नहीं, मेरा क्रिकेट खेलने का दिल नहीं कर रहा है, नो आई डोंट फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट। तुम्हारा क्रिकेट खेलने का मन क्यों नहीं कर रहा है, वाई डोंट यू फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट। मेरा क्रिकेट खेलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, आई डोंट फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज आई एम टायर्ड। ध्यान दें, टायर्ड मीन्स थका हुआ। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के भी इसे वाइडली शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।